छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ में ग्रामीण जन एवं स्कूली बच्चे सड़क को लेकर आक्रोशित होकर धरने पर बैठे हैं। लगभग 16 साल से सड़क नहीं बनने पर स्कूली छात्र छात्राएं एवं ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं। गौरतलब है कि बिछुआ के ग्रामीण जन 16 सालों से सड़क की परेशानियों से जूझ रहे। स्कूली छात्र छात्राओं एवं व्यापारी गणों का इस सड़क से प्रतिदिन आना जाना होता है और सड़क की हालत इतनी गंभीर है कि ऐसा लगता है मानो सड़क में है गड्ढे या फिर गड्ढे में सड़क है। आए दिन आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आए दिन हादसों के शिकार होते। शासन प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब देखना होगा कि आज धरना प्रदर्शन का उग्र आंदोलन क्या रंग लेकर आता है। क्या जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागेंगे, क्या यह सड़क बन पाएगी या यूं ही आश्वासन देकर धरना को बंद कर दिया जाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं एवं कर्णी सेना व्यापारीगण और ग्रामीण जन धरना उपस्थित रहे। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी इस दौरान दी गई है। बीसीएन न्यूज के लिए चौराई से राजेश उइके की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।